If magnitude of sum of two unit vectors is root 2, then find the magnitude of subtraction of these unit vectors. तो मान लेते हैं, दो unit vector है हमारे पास, a cap और b cap, इनके बीच में angle है theta, तो इनका जो sum है, उसका magnitude कितना है root 2? तो अगर हम इस formula को use करें, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा तो यहाँ पर आर है रूट टू दोनों यूनिट वेक्टर्स हैं तो इनके मैग्नीट्यूड हो गए वन टू इंटू वन इंट वन इंटू कॉस थीटा दोनों तरफ स्क्वायर कर दो तो टू इज इक्वल टू टू प्लस टू कॉस थीटा तो यहाँ से कॉस थीटा कितना हो गया जीरो इसका मतलब थीटा कितना आ गया नाइन्टी डिग्री दोनों यूनिट वेक्टर्स आपस में कैसे हैं परपेंडिकुलर अब हमें इनको सब्ट्रैक कर रहे हैं तो सब्ट्रैक करने में ये जो थीटा होता है ये होता है एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, तो ए कैप और बी कैप के बीच में एंगल अगर थीटा है तो ए कैप और माइनस बी कैप के बीच में एंगल होता है 180 माइनस थीटा तो लेकिन यहाँ तो थीटा 90 है तो 180 एटी माइनस थीटा भी 90 आएगा ये वाला जो वेक्टर होगा ये होगा ए कैप माइनस बी कैप तो ए कैप माइनस बी कैप की वैल्यू निकालना चाहिए आर डैश स्क्वायर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी कॉस थीटा बी भी क्या लेंगे 90 क्योंकि ए कैप और माइनस बी कैप के बीच में भी एंगल नाइन्टी है तो अगर हम माइनस बी कैप ले रहे हैं तो भी उसका मैग्नीट्यूड तो वन ही रहेगा तो आर डैश कितना आएगा स्क्वायर रूट वन प्लस वन प्लस ज़ीरो कॉस नाइन्टी जीरो तो ये कितना आएगा रूट टू तो उन दोनों यूनिट वेक्टर्स के सब्ट्रैक्शन का मैग्नीट्यूड भी आएगा रूट टू